बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें IUCN के लिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। IUCN की लिस्ट जो बनी हुई है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, एज फॉर देखें 2019 तक जो भी इंक्लूडेड है उसको हम मतलब पढ़ेंगे। कुछ जो ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में मूव कर गए हैं, वो भी इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो देखते हैं। तो जो लिस्ट होता है IUCN की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और वनरेबल स्पीसीज होता है। इसको हम पहले भी देख लिए कि इसमें कौन कौन सी स्पीसीज होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और इसको, इस लिस्ट को अपडेट कौन करता है, तो इस लिस्ट को अपडेट करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। तो अगर पूछे कि IUCN की जो रेड लिस्ट बनती है उस लिस्ट को अपडेट कौन करता है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया करता है, ZSI करता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो IUCN का रूल है 1966 के, इस रूल के अकॉर्डिंग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस लिस्ट को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन है स्पीसीज का उसके अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज़ को, एक एक स्पीसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स को देखते हैं। मैमल्स में को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल। तो पहले हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल देखते हैं। इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हिमालयन ब्राउन, ठीक है, हिमालयन ब्राउन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रहे। तो हिमालयन ब्राउन है तो हिमालय वाले रीजन में ही मिलेगा, जैसे कि मान लो कि नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, नॉर्थ इंडिया और जो पाकिस्तान वाला रीजन है, इस रीजन में जो हिमालयन का, हिमालय का जो फुट हिल रीजन है वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट अगर हम पिग देखें तो पिग्मी हॉग ही होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये भी लगभग पाया जाता है इसी रीजन में, ये तराई ग्रासलैंड वाले जोन में ये मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है अंडमान वाइट टूथ स्यू। तो अंडमान वाइट टूथ स्यू से ही पता चलेगा कि कहाँ पे मिलता है, अंडमान में। तो ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ये जो है कि एक ही मात्र ऐसा स्क्वायरल है जो कि उड़ता है। तो ये कहाँ पे मिलता है, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मालाबार सीवेट। मालाबार सीवेट जो है इसका अगर हम हैबिटेट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो मालाबार जो केरला वाला रीजन है वहाँ पर इसको रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सुमात्रा राइनोसिरोस। सुमात्रा राइनोसिरोस इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किस लिस्ट में आता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है सुमात्रा राइनोसिरोस। फिर आता है कश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल भी बोलते हैं, ये भी किस में आता है, ये भी आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ये हिमाचल प्रदेश वाले जोन में मिलता है, कश्मीर वैली और नॉर्दर्न जो एरिया है वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा था मैमल्स जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब हम देखते हैं मैमल्स जो कि इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो इसमें टाइगर आता है, टाइगर्स कौन, इंक्लूडिंग द बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर अगर पूछे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आता है, इंडेंजर्ड में आता है बंगाल टाइगर। टाइगर हमने देखा था ये कहाँ पर मिलता है, सुंदरबन वाला जो जोन है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। फिर आता है एशियाटिक लायन जो कि गिर फॉरेस्ट में मिलता है, ये भी क्या है, क्रिटिकली सॉरी ये भी इंडेंजर्ड है। तो जो एशियाटिक लायन है या बंगाल टाइगर है दोनों इंडेंजर्ड है। फिर आता है रेड पांडा। रेड पांडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका हैबिटेट देखें सिक्किम आसाम नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि अगर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश वाला और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आसाम और ये वाला जो जोन है यहाँ पे रेड पांडा मिलता है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में रेड पांडा को बस याद कर ले कि उस जोन में मिलता है ये। फिर आता है ढोले या एशियाटिक वाइल्ड डॉग। एशियाटिक वाइल्ड डॉग का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो गंगा के पर्टिकुलरली जो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड वाला जो जोन है या वेस्टर्न जो है कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट दोनों जगह पे ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग मिलता है, ठीक है। फिर आता है एल्स डियर। एल्स डियर भी ये किस में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये मणिपुर केविल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो केविल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, वाइन टेंटलेड डियर भी बोलते हैं इसको, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर भी किस में आता है,
इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हिमालयन वाइट बेलीड, जो है ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो गोल्डन लंगूर है और एल्स डियर जो है, और जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, रेड पांडा है, एशियाटिक लायन है, और सुंदरबन में जो मिलता है टाइगर, वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे किस्में आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। हॉक डियर देखे तो ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। लायन टेल मकाक भी किसमें आता है, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है लायन टेल मकाक, याद रहे एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लायन टेल मकाक जो है वेस्टर्न घाट एरिया जो है वहाँ पे एंडेमिक है। तो इस पर हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लायन टेल मकाक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। तो हमने पहले देख लिया कि लायन टेल मकाक एंडेमिक है, और एंडेमिक जो भी स्पीसीज होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और खासकर इंडिया में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो एंडेमिक है, मतलब कि वो स्पीसीज जो किसी एक ही प्लेस पे पाई जाती है उसको एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से हमने देखा, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में आता है जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेट हैं यहाँ पे पाया जाता है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, मतलब कि ऑप्शन करेक्ट है ए। आंध्र प्रदेश जो है वेस्टर्न घाट पर नहीं आता है, तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट ए। नीलगिरी टार भी आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। नीलगिरी टार जो नीलगिरी की हिल है वेस्टर्न घाट में वहाँ पर मिलती है, उसी के नाम पर इसको नीलगिरी टार इसका नाम रखा गया हुआ है, और ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो है कि एक कराई कैमल है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इस पर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आर द यूनिक अबाउट द कराई कैमल, कराई कैमल के बारे में क्या यूनिक है। पहला है इट कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू द 3 किलोमीटर्स इन द सी वाटर, ये करेक्ट है। कि ये तो है कैमल, लेकिन कैमल देखते हैं हम अक्सर कहाँ पे, रेगिस्तान वाले जगह पे होता है, लेकिन ये सी वाटर में 3 किलोमीटर तक लगभग तैर सकता है। दूसरा है इट सर्वाइव बाय द ग्रेजिंग मैंग्रोव्स, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है इट लाइव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये गलत है, क्योंकि ये जो कराई कैमल है इसको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है, और कहीं कहीं इसके मिल्क का भी यूज़ किया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन हो गया करेक्ट ए। ये है कराई कैमल, जिसको देख सकते हो, ठीक है, कि ये 3 किलोमीटर तक लगभग स्विम कर सकता है। नेक्स्ट जो है अब देखते हैं इंडेंजर्ड मैराइन मैमल। अभी तक हम देखे, अब हम इंडेंजर्ड मैराइन मैमल्स को देखते हैं, अभी तक लैंड पे रहने वाले को देखे हैं, और मैराइन को अब देखते हैं। तो मैराइन में क्या है, ये फ्रेश वाटर रिवर, मतलब डॉल्फिन, मतलब कि फ्रेश वाटर रिवर अगर हम देखें, डॉल्फिन जिसको साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को शुसू भी कहते हैं, SUSU, ठीक है। और ये एसेंशली ये ब्लाइंड होता है, इसकी आंखें इतनी छोटी होती है कि इसको ब्लाइंड भी बोलते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर जो रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये ब्लाइंड होता है, और इसी को ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गंगा रिवर डॉल्फिन। अगर गंगा रिवर डॉल्फिन की हम बात करें, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में मिलता है, और बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन इन पाकिस्तान एंड जो अगर हम देखें तो ये कहाँ पे मिलता है, ये पाकिस्तान और ब्यास जो सतलज वाला ट्रिब्यूटरी है, रिवर है, तो वहाँ पे मिलता है इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। इंडस रिवर में मिलता है इंडस रिवर डॉल्फिन। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर दिया है क्वेश्चन। अदर देन द पोचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन जो डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड मतलब बैरेज ऑन द रिवर, ये सही है, डैम और वगैरह के बनाने की वजह से, क्योंकि ये ब्लाइंड्स होते हैं तो इनके पॉपुलेशन पर काफ़ी हानि पहुँच रही है, पहला करेक्ट है। दूसरा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द क्रोकोडाइल इन द रिवर, रिवर में क्रोकोडाइल के पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है।
थर्ड है गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली। ये भी सही है कि जब नेट बड़े बड़े नेट बिछाए जाते हैं फिश वगैरह को पकड़ने के लिए तो उसमें ये ट्रैप हो जाती हैं। और फोर्थ है यूज़ ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड द एग्रीकल्चर केमिकल इन द क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो पहला तीसरा एंड चौथा जो है पहला तीसरा और चौथा करेक्ट है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन पहला तीसरा एंड चौथा ऑप्शन होगा करेक्ट सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ द इंडिया। तो नेशनल एक्वाटिक गैंगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन जो है ये इसको सुसु भी बोलते हैं इसको बोलते हैं ये है इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आता है वनरेबल मैमल्स। जो मैमल्स वनरेबल हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछता है। एक तो लायन लायन जो है वनरेबल कैटेगरी में आता है। फिर नीलगिरी लंगूर या नीलगिरी लीफ मंकी। ठीक है तो ये किस में है वनरेबल में है। ठीक है और इस ये जो नीलगिरी लंगूर है ना ये पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में था और बाद में इसको चेंज करके वनरेबल कैटेगरी में कर दिए हैं। ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये हिमालय वाला जो रीजन है फुटिल ऑफ द हिमालय तराई जो रीजन है वहाँ पे मिलता है। तो उसके पास में जो भी नेशनल पार्क जैसे नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या मानस नेशनल पार्क हो गया तो इस रीजन में क्या है ग्रेट इंडियन जो वन हॉर्न राइनोस हैं वो पाए जाते हैं। तो इनिशियली पहले ये इंडेंजर्ड में था लेकिन अभी मूव करके वनरेबल कैटेगरी में हो गया। तो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोस हो या तो नीलगिरी लंगूर हो नीलगिरी लीफ मंकी हो दोनों के दोनों मूव करके वनरेबल कैटेगरी में गए हैं इंडेंजर्ड से। नेक्स्ट आता है गौर इंडियन वाइशन जिसको बोलते हैं। गौर जो है ये भी कैटेगरी में था जो है कि ये अभी वनरेबल कैटेगरी में है और इस साल जो है काफ़ी इसको थ्रेट पहुंच रहा है इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इंडियन वाइशन है जो गौर है। ठीक है फोर हॉर्न एंटीलोप फोर हॉर्न एंटीलोप भी क्या है वनरेबल है। टाकिन भी क्या है वनरेबल है। ठीक है नीलगिरी मार्टन जो है ये भी वनरेबल है और एंडेमिक है टू द वेस्टर्न घाट। ये याद रहे वनरेबल हैं लेकिन वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है मतलब इनका जितना पॉपुलेशन था पॉपुलेशन कम हुआ है लेकिन पॉपुलेशन इनकी एक ही प्लेस पे है। ठीक है जो बारहसिंघा और सैम्प डियर देखे तो ये भी वनरेबल कैटेगरी में है। और उसके बाद ओरिएंटल स्मॉल क्लब्ड ऑटर देखें तो ये भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही है और मैंग्रोव स्वैम्स या फ्रेश वाटर वेटलैंड वाले जोन में ये मिलते हैं दोनों में मिलते हैं। तो ओरिएंटल स्मॉल क्लाउड ऑटर जो है ये क्या है वल्नरेबल कैटेगरी में है। ठीक है और क्लाउडेड लेपर्ड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स ये भी एक वनरेबल कैटेगरी में है। और हिमालयन का जो फुटिल वाला जोन है या साउथ ईस्ट एशिया और चाइना वाला जो जोन है नॉर्थ नदर्न बंगाल वेस्ट बंगाल वाला जोन है या सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा ये सारे एरिया में जो है ये लेपर्ड पाया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड। एशियन बैक बियर देखें तो ये भी आता है किसमें वनरेबल कैटेगरी में ही आता है। ठीक है अब वनरेबल हर्बीवोरस मैराइन मैमल्स को देखें तो वनरेबल हर्बीवोरस मैराइन मैमल में आता है डुगोंग जिसको बोलते हैं सी काऊ। इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सी काऊ का एक छोटा सा जो है कि बेबी मिला हुआ है इंडिया के कोस्ट पे। तो ये किस्में हैं हर्बीवोरस हैं पहली बात मैराइन होते हैं दूसरी बात और तीसरा ये वनरेबल कैटेगरी में है डुगोंग सी काऊ। ठीक है फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट मेंटेनी स्पेसीज। ठीक है तो ये मेंटेनी स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है इसके ये कहाँ कहाँ हैबिटेट इसका कहाँ कहाँ है गल्फ ऑफ मंडर में है गल्फ ऑफ कच्छ में है अंडमान और निकोबार जो आइलैंड वाला रीजन है कैरेबियन सी में पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में अमेजन बेसिन में और वेस्ट अफ्रीका में। तो इस जगह पर ये पाए जाते हैं। डुगोंग के बारे में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द डुगोंग ए मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। कौन सा करेक्ट है पहला है इट इज एन हर्बीवोर मैराइन एनिमल ये हमने पहले ही देख लिया ये करेक्ट है। सेकेंड है इट इज फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ द इंडिया ये तो गलत है क्योंकि हमने देखा इंटायर कोस्ट पे नहीं मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं और जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया वहाँ पर मिलता है तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बोल रहा है इट इज ए गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी करेक्ट है पहला एंड तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है अब नियर थ्रेटेंड मैमल्स के देखते हैं तो नियर थ्रेटेंड मैमल में आता है वाइल्ड एस जिसको खुर बोलते हैं। ठीक है
और उसके बाद इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था और ये प्लांट से रिलेटेड है, तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। पूछा वाई इज द प्लांट कॉल्ड द प्रोसोपिस जूलीफेरा ऑफ्टन मेंशन इन द न्यूज़। ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रहा था, क्योंकि एक एग्जॉटिक स्पीसीज था और ये एग्जॉटिक स्पीसीज जब नेटिव जगह पे आया डोमेस्टिक प्लांट वगैरह को ये काफ़ी हानि पहुंचा रहा था, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन एनिमल स्पीसीज। द एनिमल हैज़ नो प्रेडेटर्स इन दैट एरिया बट इट एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एनिमल, मतलब कि ये कौन से एनिमल हैं जिनके जो हैबिटेट की लॉस होने की वजह से वो लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी इंडियन वाइल्ड एस, जो है इसकी वजह से काफ़ी हैबिटेट लॉस की वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आता है चीरू, तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम नियर थ्रेटेंड मैमल्स को पढ़ रहे थे, तो वाइल्ड एस खुर जो नियर थ्रेटेंड है, और उसके बाद आता है चीरू तिब्बतन जो एंटीलोप है ये भी नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद आता है मार्बल कैट, ठीक है, और हिमालयन टार भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड है, और मारखोर भी थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। लिस्ट कंसर्न में हम देखते हैं तो कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो लिस्ट कंसर्न है, जैसे ब्लैक बग हो गया। ब्लैक बग जो है ये काफ़ी न्यूज़ में था, सलमान खान के द्वारा इसका हंटिंग हुई थी और ये पहले नियर थ्रेटेंड में था, अब लिस्ट कंसर्न में मूव कर गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉट इवेल्युएटेड, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि अभी तक इवेल्युएट ही जिनको नहीं किए गए हैं, जैसे हिमालयन वोल्फ को देख लें, इनको इवेल्युएट नहीं किया गया है। क्रोकोडाइल स्पीसीज हम इंडिया में देखें, ठीक है, इसको नहीं इवेल्युएट किया गया हिमालयन वोल्फ को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रोकोडाइल स्पीसीज इन इंडिया। क्रोकोडाइल स्पीसीज का स्टेटस हम इंडिया में देखें, जैसे घड़ियाल देखें, तो घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये कहाँ पे मिलता है, ब्रह्मपुत्रा में, भूटान में, बांग्लादेश में, इरावदी रिवर में, यहाँ पे ये पाया जाता है घड़ियाल, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। मुगर देखें और मार्स क्रोकोडाइल, ये किस में है, वनरेबल कैटेगरी में ये पाया जाता है। ठीक है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखें तो ये लीस्ट कंसर्न में आता है सॉल्ट वाटर। और उसके बाद भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, ये पॉपुलेशन जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है कहाँ पे मिलता है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे मिलता है। तो हमने क्रोकोडाइल स्पीसीज का जो स्टेटस है इंडिया में हमने इसको देख लिया। तो जो यहाँ पे घड़ियाल है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है भितरकनिका उड़ीसा में, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स में आता है द जर्डन क्रूजर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हम देखते हैं बंगाल फ्लोरिकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन जैसा नाम है, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड के 3 कंट्री में मिलता है, कंबोडिया में, इंडिया में और नेपाल में। तो इंडिया में अगर देखें 3 स्टेट में मिलता है, नेमली उत्तर प्रदेश में, आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में। नाम है बंगाल में, लेकिन बंगाल में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, इनिशियली ये बंगाल में बहुत मिलता था, इसलिए इसको बंगाल फ्लोरिकन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमालयन क्विल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। पिंक हेडेड डक इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज माइग्रेट करके भी आए हुए थे। तो ये मिलता है इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, और मैक्सिमम रिकॉर्ड जो हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट जोन में पिंक हेडेड जो बक है, ये डक जो है रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे बर्ड्स के कुछ स्पीसीज थे। उसके बाद आता है साइबेरियन क्रैन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रैन ये जो दे आर नोन अराइवर विंटर एट द केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। विंटर में जो राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पर ये माइग्रेट करके काफ़ी लार्ज नंबर इनका आता है। ठीक है, इंडेंजर्ड बर्ड हम देखें तो फॉरेस्ट आउलेट, ये भी बस याद रहे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से क्योंकि इंडेंजर्ड में मूव किए हुए हैं। वनरेबल बर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल खासकर इस साल के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किस कैटेगरी में IUCN के लिस्ट में, तो ये वनरेबल कर्ड कैटेगरी में आते हैं। नेम इतना इसका न्यूज़ में था कि लगेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड होंगे, लेकिन ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर ब्लैक नेक्ड क्रैन देखें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स देखते हैं, तो रेप्टाइल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो है कि प्रीलिम्स के लिए। एक तो घड़ियाल, घड़ियाल हमने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता, हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है, ठीक है, एक हॉकबिल टर्टल, टर्टल की हम बात करें, ठीक है, टर्टल रेप्टाइल्स में आते हैं, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हॉकबिल टर्टल। डिस्ट्रीब्यूशन इसका अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, कोस्टल रीजन जो तमिलनाडु और उड़ीसा का है वहाँ पे मिलता है ये। इस साल काफ़ी कई सारे ऐसे टर्टल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जैसे फोर टोड रिवर, अगर टेरापाइन देखें हम, रिवर टेरापाइन, ठीक है, जिसको रिवर टेरापाइन भी बोलते हैं या फोर टेड रिवर टेरापाइन बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है बांग्लादेश में, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया वाले जो रीजन है यहाँ पे मिलते हैं। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल और बंगाल रूफ टर्टल, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें बांग्लादेश, नेपाल, वेस्टर्न जो जो वारसेट गंगा वाला रीजन है वहाँ पे मिलते हैं। वनरेबल रेप्टाइल्स में देखें तो लेदर बैक टर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, लेदर बैक काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, मूव्ड हुआ क्रिटिकली इंडेंजर से वनरेबल में, इसलिए ये न्यूज़ में है। सोचो क्रिटिकली इंडेंजर से सीधे वनरेबल में मूव किया है, वो भी इंडेंजर्ड में नहीं, तो लेदर बैक टर्टल पूछा जा सकता है इस साल प्रीलिम्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो टेम्परेट वाटर्स और अटलांटिक पैसिफिक रीजन में ये मिलता है। क्वेश्चन एक देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फौना ऑफ द इंडिया, घरियाल, लेदर बैग और स्वैम्प डियर, विच ऑफ द आर इंडेंजर्ड, कौन से इंडेंजर्ड है, तो इसमें से कोई भी इंडेंजर्ड नहीं है। घरियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्वैम्प डियर जो है बारह सिंघा और लेदर बैग टर्टल जो है ये वनरेबल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है। फिर आता है ऑलिव रेडलिट सी टर्टल, ये साल के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, ये काफ़ी न्यूज़ में थे इस साल और द हिंदू के आर्टिकल में ने भी इसको छापा हुआ था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड द टॉर्टोइस, टर्टल एंड टॉर्टोइस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम देखते हैं। टर्टल जो है वो वाटर में होते हैं, टॉर्टोइस जो होते हैं वो लैंड में होते हैं। टर्टल जो होते हैं लैंड पे आते हैं वो जब उनको एग लेइंग करना होता है, टॉर्टोइस जो है वो उनका सब कुछ जो होता है वो लैंड पे ही होता है। ये गुड टर्टल गुड स्विमर्स होते हैं, टॉर्टोइस बैड स्विमर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं ये हर्बीवोर होते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है नियर थ्रेटन्ड रेप्टाइल्स की हम देखें, नियर थ्रेटन्ड उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश में कुछ ऐसे फिश हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जो पौंडीचेरी का सार्क है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और गंगा रिवर शार्क जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। लार्ज टूथ सॉफिश देखें तो ये भी आता है, ठीक है, महानदी रिवर में मिलता है ये। लॉन्ग कॉम सॉफिश और नैरो स्नाउट सॉफिश देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। इंडेंजर्ड फिश में बात करें तो नाइफ टूथ सॉफिश जो आते हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पाइडर में देखते हैं क्या क्या आते हैं, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पाइडर अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोरल में फायर कोरल जो होता है वो, इसके बेस पे हम क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट है ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द नेचुरली फाउंड इन द इंडिया, कौन इंडिया में नेचुरली पाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बी, क्योंकि जो बी ऑप्शन है पहला, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन और फ्लाइंग स्क्वायरल और चीता ये और लेपर्ड ये तीनों इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन चीता इंडिया में अभी नेचुरली नहीं मिलता, क्योंकि चीता जब ब्रिटिश आए थे या जो पहले के प्रोविंस के जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो क्या करते थे कि इनका हंटिंग किया करते थे चीता का, और जिसकी वजह से इंडिया में चीता का जो एक्सटेंशन हो गया है ख़त्म हो गए हैं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला, तीसरा एंड चौथा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कौन से स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा चूज़ किए गए हुए हैं वो देखते हैं। ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आ गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब रॉन्ग होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अब ये सब फॉलो करते हैं, ठीक है। द नेशनल बैन वॉज इम्पोज ऑन द टाइगर हंटिंग इन 1917, टाइगर की हंटिंग के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
के अंदर 1970 में एक नेशनल बैन इम्पोज किया गया हुआ था, और 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने वॉज इनिशिएटेड फॉर सुपरविजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, कंट्री में जूलॉजिकल पार्क के मैनेजमेंट के लिए सुपरविजन स्टार्ट किया था 1992 में, और 1996 में वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी कमेटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश फॉर सीकिंग एडवाइस और डिफरेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैटर्स रिलेटेड टू। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉ हैं उसको हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ जो है, एक तो कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड साइट जिसको साइट्स बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है जो है कि जो स्पीसीज काफ़ी वनरेबल हैं कैटेगरी में, जो थ्रेटेंड है उनको ट्रेड को ये प्रोहिबिट करता है। दूसरा, कोएलिशन अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जिसको CAWTV बोलते हैं, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC, फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को, ये आता है। फिर आता है कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, ये चार पांच जो कन्वेंशन हैं ये आते हैं किसके ये आते हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को या उसके जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ मिसलिनियस टॉपिक है उसको हम देखते हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर देखते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स रिफर्स टू द साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट ऑफ द बर्ड, मतलब कि सपोज जो साइबेरिया वाला जो रीजन है, रशिया वाला जो रीजन है, उधर ठंड काफ़ी ज़्यादा जब सीजन ठंड सीजन पड़ने लगती है तो बर्ड्स जो है मूव कर आते हैं। जो इंडिया वाला रीजन है या अफ्रीका का कुछ जोन है जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है वहाँ पर मूव करते हैं, तो इनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, और ये सीजन में मूव करते हैं और फिर सीजन ख़त्म हो जाने के बाद वापस चले जाते हैं। तो रीजन क्या होता है माइग्रेटरी बर्ड्स का, तो एक है टू अवॉइड द एडवर्स फैक्टर जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, दूसरा टू मैनेज द फूड शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए, तीसरा होता है टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ द वाटर के शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए, टू हैव ए बेटर ब्रीडिंग कंडीशन, ठीक है, इसके लिए आते हैं, लेस कंपटीशन फॉर द सेफ नेस्टिंग प्लेसेस। तो इस सारे वजह से जो माइग्रेट जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करके इंडिया में या अदर प्लेसेस पे जहाँ थोड़ी टेम्परेचर जो है कि हाई होती है वहाँ पर मूव करके जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स सिर्फ ऐसा नहीं कि विंटर में मूव करके आते हैं, समर में भी कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मूव करते हैं। तो देखते हैं कि विंटर और समर में कुछ कुछ स्पीसीज हम देख लेते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया विंटर में आता है, ग्रेट फ्लेमिंगो हो गया, ठीक है, कॉमन जो तील हो गया, येलो वक्तील हो गया, और ये सारे स्पीसीज इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट फ्लेमिंगो इस साल के लिए। ठीक है, और ऐसे समर बर्ड्स में कुछ आते हैं एशियन कोयल, ब्लैक क्राउडेड नाइट, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये समर बर्ड्स समर के टाइम में मूव करके आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग लेइंग मैमल्स। मैमल्स जनरली क्या करते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द रेप्टाइल्स या एम्फीबिया, बिटवीन द बर्ड्स एंड द मैमल्स, उनके बीच के कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि जो है एग देते हैं। तो एग तो इनको मोनोट्रीम्स भी बोलते हैं, इनके फीचर्स को मोनोट्रीम्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें तो प्लैटिपस हो गया या इकैनिडिया हो गया, तो ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, और सभी ये कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया में मिलते हैं। तो जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं, वो बस मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्सुपियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्सुपियल। मार्सुपियल को पाउच्ड मैमल भी बोलते हैं, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। तो इनके इनका क्या होता है कि एक पाउच होता है इनके जो यूट्रस के नीचे, जस्ट एक पाउच होता है जिसमें अपने नेटिव जो बच्चे होते हैं उनको रखते हैं। लिस्ट ऑफ द मार्सुपियल को हम देखें तो कोला है, कंगारू है, वल्वे है, एंड जो है तास्मानियन डेविल्स हैं, तो ये सारे मार्सुपियल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्सुपियल किस तरीके से अपने जो बच्चे होते हैं इनको यहाँ पाउच में ये रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो नॉन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो ऐसे जो कीट पतंगे होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको जो है कि उनसे अपना नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं जो उस प्लेस पे नहीं होता है। ठीक है, तो ने जो है कि एक वाई डू दे हंट डिस्पाइट हैविंग द नॉर्मल रूट एंड फोटोसिंथेटिक लीव। इनके पास नॉर्मल रूट और फोटोसिंथेटिक लीव होने का बावजूद भी ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिस प्लेस पे ये रहते हैं वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, इस वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है।
इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट को हम देखें तो एग्जाम्पल, तो उनका एक है ड्रोसेरा, ठीक है, एक है इंसेक्ट ट्रैपिंग जो है कि एल्डोवांडा, नेफेंथिस, नेफेंथिस फैमिली के आते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट ऐसे देख सकते हैं हम कि इस तरीके से होते हैं और इनके बीच में स्पेस होता है, जैसे ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को वैसे ये बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आता है यूट्रिकुलेटा एंड एंड द पिंगिकुला, तो ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस साल का, वो है इंडियन वल्चर क्राइसिस। इंडियन वल्चर क्राइसिस क्या है और क्यों हो रहा है और इसकी नंबर क्यों ज़्यादा कम, क्यों कम हो रही, क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे रिलेटेड इस पे सवाल भी पूछा गया है। तो एक मेडिसिन आता है जो कि अगर हम देखें तो इसका नाम है डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जो लाइफ स्टॉक में यूज़ होता है ताकि वो लाइफ स्टॉक को हेल्दी रखें और जो है मिल्क काफ़ी प्रोड्यूस हो। तो ये डिक्लोफेनान जब लाइफ स्टॉक मर जाते हैं तो डिक्लोफेनान को जो है कि जब डिक्लोफेनान इनके उनमें वल्चर में पहुँचता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि डिक्लोफेनान को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता और वो प्रिजर्व हो जाता है उनके बॉडी में। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वल्चर्स की वो काफ़ी कम होती जा रही है। इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक तरीके से सैनिटेशन, इंडिया का ये सैनिटेशन भी माने जाते हैं, क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज वगैरह होती हैं उनको खा के और ख़त्म करके क्लियर करने का काम वल्चर्स का होता है, ठीक है, तो इसलिए इनका एडवर्स इफेक्ट है। तो इसीलिए 2016 में इसको, मार्च 2016 में इसको बैन कर दिया गया था और इसके अल्टरनेटिव एक जो है कि एक ड्रग लेके आया गया था जिसको बोलते हैं हम मेलोकिक्सम। मेलोकिक्सम अगर पूछे तो डिक्लोफेनान का ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो कुछ कल्चर्स हैं जो एज पर जो कंजर्व किए जाते हैं, जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो वल्चर हैं, ठीक है, वाइट रम्ड वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर, रुपेल्स वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर वाइल वल्चर, ठीक है। इंडेंजर्ड में आते हैं केव वल्चर, नियर थ्रेटन्ड में आते हैं हिमालयन वल्चर, और लिस्ट कंसर्न में आते हैं ग्रिफन वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं वाइट रम्ड वल्चर। तो ये काफ़ी वल्चर्स ये इम्पॉर्टेंट है। ये इस ये पूरा जो चैप्टर था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और इसमें कुछ याद ना रहे या ना रहे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन कौन से हैं ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है।